नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन स्वास्थ्य सहयोग से डॉक्टर योगेश जैन। हम बात करेंगे COVID-19 के बारे में। योगेश, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। पहला सवाल तो जी ये होगा कि अगर हम कल के नंबर्स को देखें तो ग्लोबली जो है वो 9 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और भारत में भी काफी केसेस आए हैं। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल रखा जाए तो इस महामारी का भारत में इस समय क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर आप एक मोटे तौर पे बता सकें तो? तो भारत में जो अभी 2000 के आंकड़ा हमने कल पार किया है वो ये दर्शाता है कि हम बाकी कुछ पश्चिमी देशों से और चीन के मुकाबले में हम कुछ हफ्ते पीछे चल रहे थे। और अभी तो ये जो गति पिछले हफ्ते की संख्या बढ़ोतरी में जो हुई है वो यही दर्शाती है कि हम लगभग वही गति बनाए हुए हैं जो बाकी देशों ने कुछ हफ्ते पहले रखी थी। और ये मुझे कल के आंकड़े बताते हैं कि अगले कुछ सप्ताहों में और अप्रैल के अंत तक हमारे यहाँ पर भी ये परेशानी काफी व्यापक रूप से कुछ राज्यों में तो फैल ही जाएगी। और मेरा मेरा अपना अनुमान है कि हम इस महीने के अंत तक शायद 75,000 से 1 लाख लोग इस देश में संक्रमित हों और उनकी जांच हो चुकी हो वहां तक पहुंच जाएं। यदि हमारी जांच की जो प्रक्रिया है वो हमारे परेशानी वाले लोग जो अस्पतालों में जाते हैं उनको जांच करने में मदद करे तभी ये सब जानकारी मिल पाएगी। अगर जांच की प्रक्रिया की बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अभी सही है, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया पे ही अभी जांच कर रहे हैं? अगर आपका फॉरेन ट्रैवल का हिस्ट्री है, अगर आप किसी कैरियर के कांटेक्ट में आए हैं तब, पर क्या एक मास लेवल पे जांच की जरूरत नहीं है इस समय अब? ये बहुत आजकल के लिए एक विवाद वाला विषय है क्योंकि ऐसा ऐसा लगता है कि सरकार या तो उसके पास जो जांच की किट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं थी या वो अड़ी हुई थी इस बात को सिद्ध करने में कि परेशानी हमारे देश में आई ही नहीं है तो क्यों हम जांच करें। ये इस बात के सिद्धांत को दर्शाता है कि लोगों ने माना कि अगर कोई कोई किसी तथ्य के लिए कोई प्रमाण ना हो तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो परेशानी है ही नहीं। तो जी ये बिल्कुल ही गलत और निराधार एक सोच है और कई सारे बातों से ये दर्शाया जाता है कि हमारे देश में ऑलरेडी ऐसे लोग जो कभी विदेश में नहीं गए जो लोगों का विदेश से आने वाले लोगों में जिसको कोविड हुआ उनसे संपर्क नहीं था और फिर भी यहाँ रहते हुए भी उनको बीमारी के जांच में पता करी गई ये इसके प्रमाण मिलते ही हैं। जी तो हमें कुछ लड़ाई के बाद पिछले हफ्ते ये जांच के कुछ जो क्राइटेरिया हैं वो थोड़े बढ़ाए गए लेकिन अभी भी अपर्याप्त हैं। और जांच की जो किस्म है जो अभी एक PCR नाम के मुश्किल टेस्ट से होती है उससे बढ़ाकर कि खून की जांच से ये पता चल पाए सीरोलॉजी के रूप के टेस्ट के रूप से उसमें हम लगे हुए हैं कि किसी तरीके से भारत सरकार को वो कन्विंस कर पाए बाध्य कर पाए कि वो जांच करे। यदि वो जांच उपलब्ध हो जाती है तो हम बहुत व्यापक रूप से जांच कर पाएंगे जी और मुझे उम्मीद है कि सच का फिर सामना हम सबको करना पड़ेगा। आपने कहा कि ये जो अभी जांच हो रही है वो अपर्याप्त है। एक तो आपने बताया कि कैसे इसको और बढ़ाया जा सकता है, पर क्या और भी कोई तरीके हैं? और अगर ये अपर्याप्त है तो अपर्याप्त क्यों है? ये जांच अपर्याप्त जो टेस्ट की क्राइटी जो जो टेस्ट की किस्म है जिसको हम PCR टेस्ट बोलते हैं उसके लिए हमको कुछ विशेष उपकरणों की आवश्यकता है जो हमारे देश में सब जगह उपलब्ध नहीं है हर जिले में भी उपलब्ध नहीं है। तो वो जगह सिर्फ अभी कुछ मेडिकल कॉलेजेस और राष्ट्रीय संस्थानों में ही उपलब्ध है तकरीबन 100 के करीब पूरे देश में। उससे यदि हमको जिले स्तर पर या जिले से छोटे स्तर पर भी कोई जांच को उपलब्ध कराना हो तो उसके लिए हमको एक सरल जांच की आवश्यकता है
जो जिसके लिए आईसीएमआर जिसको ये जिम्मेदारी मिली कि टेस्ट का की चॉइस को वो तय करें, तो उसने उन्होंने 18 ऐसी किट्स को जो ब्लड की टेस्ट करके पता करती हैं कि बीमारी पूर्व में हुई है या नहीं, वो टेस्ट उन्होंने उनको मान्यता दी है। और अब खरीदने के लिए सिर्फ अब निर्देश की आवश्यकता है, जो शायद मुझे उम्मीद है कि अगले 2 दिन में ऐसा हो जाए। तो ये संभावना है कि एक हफ्ते में हमारे अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे जिलों के स्तर पे और जिलों से भी छोटे स्तर पे ये जांच उपलब्ध होने लग जाएगी। और जितनी ज़्यादा जांच होगी, शायद आपका ये भी क्या मानना है कि नंबर्स और उतना बढ़ेंगे? आपने पहले भी कहा कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उससे कुछ ही हफ्ते पीछे चल रहे हैं, तो क्या हमारी जो सरकार है वो इस बड़े लेवल पे इसके स्प्रेड को टैकल करने के लिए तैयार है? अभी तो जांच की बात ही चल रही है, और उसमें एक आंकड़ा यदि आप सुनना चाहें कि वो तकरीबन 57 मृत्यु हो चुकी हैं आज के दिन तक, आज सुबह तक, जिसमें ये अनुमान कि 1% अगर मृत्यु होती है या 0.8% मृत्यु होती है, तो तकरीबन 6,000 से 7,000 लोगों को तो ये बीमारी हमारे देश में होने की संभावना है ही। और यदि हम ये कहें कि जो लोगों को कोई लक्षण नहीं है और उन लोगों को भी बीमारी है, तो ये आंकड़ा कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर हमारी जांच की प्रक्रिया ज्यादा कारगर होती तो हमको वो पता चल पाता कि कितने लोगों को है। लेकिन जब ये जांच हो जाएगी तो हमारे अस्पतालों की जो अभी दशा है, तो उसमें हम शायद 1 लाख या 5 लाख तक की जनसंख्या को तो भर्ती कर पाएंगे अपने अस्पतालों में, देश के अलग अलग बड़े अस्पतालों में जहां पर हमको ऐसे मरीजों को रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा आंकड़ा बढ़ता है तो हमको जिन लोगों को लक्षण निम्न लेवल के हैं या सिर्फ बुखार और खांसी है बिना सांस की फूलने की वजह से, जो गंभीर नहीं हुए हैं, उन लोगों को हमको घर के स्तर पर या गांव में ही कहीं ऐसी एक जगह जहां पर अस्पतालों के बाहर उनको आइसोलेट करके रख सकें 1 से 2 हफ्ते के लिए, जब तक वो घर जाने लायक ना हो जाएं, और सिर्फ गंभीर लोगों को ही हम अस्पतालों तक में लाएं। तो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए अभी हमारे अभी बनने में कुछ समय बचा है, हमारे पास कुछ हफ्ते भी हैं इस तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर हम अपना काम ठीक से कर पाए तो इस महीने के अंदर भारत को सरकार को ऐसी सुविधाएं पूरे देश में बनाना लेनी चाहिए जहां पर कोविड मरीजों को समुदाय के स्तर पर ही रखा जा रखा सके, जा जो उनको सके। गंभीरता के लक्षण ना हो, और जिनको गंभीर हो जाए उनको अस्पतालों में भी व्यवस्था बनाने के लिए अभी बहुत काम बचा है। जैसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई तय करना, वेंटिलेटर्स में का उपयोग करने में लोगों की की ट्रेनिंग और मतलब दोहराना, और उनकी क्वालिटी की ट्रेनिंग, और उनको जो बाकी सहयोग की जरूरत है वो पूरा कर पाना, हमारे अस्पताल में जो डॉक्टर लोग काम करते हैं, जो नर्स काम करती हैं, उनको सुरक्षा के उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा पाना, ताकि वो लोग अपने आप को सशक्त महसूस करें और सुरक्षित महसूस करें कि हम गंभीर मरीजों की सेवा कर पाए हों। जी, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जो ये माइग्रेंट वर्कर्स शहरों से वापस गए हैं, 1/3 जो है वो वायरस के कैरियर हो सकते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरे देश में? अब बड़े मजे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को तो लगता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, लेकिन हमारे आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय को अभी इसमें शंका है कि हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, क्योंकि अगर 1/3 लोगों को जो शहरी स्लम्स में या रहते हों, अगर उनमें 1/3 होने की संभावना है इस वायरस का संक्रमण होने की, तो हमारे व्यापक रूप से हम ये मान ही रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हमारे शहरों में तो है ही, और उन्हीं से हमारा खतरा सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि गांव के बाकी लोगों को है। तो इस स्थिति में ये इस बात को तय करने के लिए ही, इस बात को प्रमाणित करने के लिए ही हमको अपने टेस्टिंग का क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए और इसको व्यापक स्तर पर
बहुत सीरोलॉजी वाले रूप से और वो जो पीसीआर टेस्ट है उसको उपलब्ध कराना चाहिए जिले स्तर पर और जिले से भी छोटे सीएचसी या मतलब तहसील तालुका स्तर पर जी, ताकि लोगों को पता चल पाए, हमको अपनी बीमारी की पूरा इल्म हो पाए कि कितनी बीमारी हमारे समाज में अभी व्याप्त है और उस हिसाब से हम लोगों की देखभाल करने का की कोशिश कर पाए जिसमें आइसोलेशन और उपचार करना दोनों सम्मिलित होगा। लेकिन अभी के समय में ये जो तथ्य है कि एक तिहाई लोगों को संक्रमण हो इस समय, जो लोग अभी शहर से गांव आ रहे हैं, इसको सही मान लेना थोड़ा समय से पहले वाली बात होगी। जी, अगर इसको एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम रखें और इस पे बात करें तो कुछ भी होता है उसके साथ साथ एक अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है। अगर आप व्हाट्सएप पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें कि अगर आप ये करेंगे तो इससे वायरस ठीक हो जाएगा, अगर आप ये करेंगे तो आप कोरोना से प्रभावित नहीं होंगे, उसी में से एक ये भी है कि जहाँ गर्मी जब आ जाएगी देश में तो कर्व जो है वो फ्लैट हो जाएगा। क्या ये बात सही है? ये हमारी हमारी मन की इच्छा जरूर है, लेकिन इच्छाएं घोड़ों की तरह दौड़ जाएं और वो जीत जाएं ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इस पर विश्वास बनाकर हम हाथ पे हाथ धर लें वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी भी इस इच्छा में कोई तथ्य इसके सहयोग में नहीं है। वो शायद इन्फ्लुएंजा वायरस से हम इसकी तुलना कर रहे हैं जो जो गर्मी के दिनों में थोड़ा कम हो जाता है। कोरोना वायरस क्या भी उसका भी व्यवहार ऐसा ही रहेगा इसके बारे में अभी कोई प्रमाण नहीं है, और ये तो हमारी विशफुल थिंकिंग में बोलूंगा कि है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर गर्मी के दिनों में ये परेशानी हमारे कुछ करे बिना ही सुधर जाएगी। जी, शुक्रिया योगेश हमसे बात करने के लिए, और हम लगातार आपके पास हर हफ्ते आते रहेंगे, जैसे ही नए डेवलपमेंट्स होंगे हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। Thank you.